एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत उन प्रश्नों को ही कराएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। आशा और उम्मीद है ये आपके परीक्षा के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। तो आइए हम चलते हैं पांचवें सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है -0.6.3 का भिन्नात्मक भाग क्या होगा। हम कैसे भिन्नात्मक भाग निकालेंगे उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले इसे यदि अलग करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, -6 और -0.3। ये जो पार्ट हो गया ये पूर्ण हो गया, ये पूरा भाग ऋणात्मक में ही हुआ लेकिन ये ऋणात्मक में क्या हो गया, पूर्ण भाग हो गया, और ये क्या हो गया, भिन्नात्मक भाग। क्यों, यदि दशमलव उड़ाएंगे तो ये कितना, 3/10, ये भिन्न के रूप में है, इनको क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक भाग करेंगे। हमारा आंसर क्या हो गया, -0.3। बताना है कि कौन सा भिन्न जो है सत्य है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अधिक दिमाग नहीं लगाना है, इस दोनों का कंपैरिजन करना है। हमारे पास ऑप्शन था बड़ा है कि बराबर है कि छोटा, ये कौन है, ये बड़ा है बराबर है कि छोटा है। हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मेरा सवाल बन जाएगा। क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ था 160, यहाँ था 3200, कैसे पूरा होगा। ऐसा हम करते हैं कि अंश और हर में दोनों में यदि 20 से हम गुना कर दें तो क्या स्थिति होता है, हम बताएंगे कि इसका भी रिजल्ट जो है मेरा कितना हो गया, 16 × 32 3200, और इसको यदि गुना करेंगे तो 0, ये हो गया 2 16 × 32। इसका मतलब इस पार्ट का वैल्यू 3220 और इस पार्ट का वैल्यू 3200 है, और दोनों हर क्या है, सेम है। अब आप कह सकते हैं दोनों में कौन बड़ा, 3220 बड़ा कि 3201 बड़ा। आप बोलेंगे कौन बड़ा, 3220 बड़ा। इसका मतलब कौन बड़ा, ये बड़ा हो गया। मेरा किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। तीसरा सवाल है 0/x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब हमको जानना होगा इसके लिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, उन चीजों को हम समझते हैं जिनसे इसके अलावे भी कोई प्रश्न पूछे हम बना सके। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी चीज का यदि योज्य प्रतिलोम पूछा जाए उसमें हम कितना जोड़ दें या कितना घटा दें जो कि उसका फाइनल जीरो हो जाए। इसका मतलब है यदि 5 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो हम कितना बोलेंगे, -5। क्यों, इसीलिए 5 में यदि हम -5 जोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। यदि हमको पूछेगा -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, 10 होगा। क्यों, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है किसी भी चीज का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए उसमें हम कितना जोड़ दें या घटा दें जो कि क्या हो जाए, उसका वैल्यू 0 हो जाए, उसी को योज्य प्रतिलोम। यदि 100 का बोलता कितना बोलते हैं, -100। यदि बोलता -50 तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना, 50। अब बोला था 0/x, ये तो खुद 0 था, इसका 0 पूर्ण के लिए क्या करेंगे, 0 कर देंगे। हमारा योज्य प्रतिलोम का मान कितना हो गया, 0 हो गया। चौथा सवाल हमारा 25% का 25% के बराबर 4 ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है हमें खोजना है। 25% का मतलब गुना और क्या, 25%। अब समझने वाली बात है हमारे पास जो 4 ऑप्शन था उसमें भी प्रतिशत के फॉर्म में ही था। इसका मतलब 1% को हम चेंज नहीं करेंगे और 1% को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमने बताया था 25 × 25 कितना, 625, और ये प्रतिशत का मतलब कितना, नीचे 101% को रहने दी, इसको यदि भाग देंगे 100 कितना, 6.25%। किस ऑप्शन में मेरा था, बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आगे जो करना है इस 100 को भी नहीं करना है, क्या हम करते, तो 25% का 25% था, क्या बोला था, 1% को रहने देना है। क्यों, इसीलिए ऑप्शन हमको प्रतिशत के रूप में ही चेंज करना है, 1% को चेंज करना है। तो हम गुना करेंगे डायरेक्ट, 25 × 25 कितना, 625, और ये प्रतिशत कहता है कि 2 अंक के बाद डायरेक्ट 0 दे दो, 2 अंक के बाद क्या कर दिए, डायरेक्ट 0 कर दिए। ये दशमलव उड़ाने का भी हमको काम
नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पांचवी, विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला ए की आय बी से 30% अधिक है, 30% क्या है अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। इसके पीछे भी हमने सिखाया था यदि एक चीज अधिक हो तो बी का आय क्या होगा, इससे यदि बी से अधिक है तो ए से कंपैरिजन करेंगे क्या होगा, कम होगा। तो कितना कम होगा, बोला कुछ आपको करना नहीं, जितना अधिक हो रहा था उतना लिख दीजिए, बट यदि अधिक हो रहा है तो एक सौ में जोड़ दीजिए, और प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या कर दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए। एक सौ प्रतिशत करने के लिए क्या करते हैं, एक सौ से गुना करते हैं, प्रतिशत लगाना नहीं है, एक सौ से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 30/130 गुना कितना 100 कैंसिल, कितना 300/13, इसका मतलब 13×2=26, 4 बच गया, 4×9=40, कितना 13×3=39, 23 के आसपास किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, तो मेरा क्या हो गया यही आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे बनाते, तो आराम से हम बना सकते थे, क्या क्या करते उस चीज को हम सिखाते हैं। बोला ए और बी है एकदम स्टेप बाय स्टेप, बोला ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय से 30% अधिक, इसका मतलब 100 होगा तो कितना होगा 130 होगा। अब बोला कि ए के कंपैरिजन में करना है बी का आय कितना कम है, बोला प्रतिशत में बताइए, यदि पूछता कितना कम है तो ये 30 अधिक था 30%, इसको हम बोल लेते कितना कम 30 कम है, लेकिन बोला था प्रतिशत के फॉर्म में लाइए, तो इससे अब कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कितना कम है तो 130 ये 100, तो कितना कम 30 कम, अब बट कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 130 से, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, कितना 30/130 गुना 100 कैंसिल, 300/13 आया से हम चीज कितना 23.1/3%। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 का 2% आराम से बनाएंगे, बोला 100 का 2% और 2 का 100% का अंतर क्या है, अंतर करना है। अब सिंपल सा तरीका है, प्रतिशत को यदि हम बटे 100 लिखेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्विक फास्ट प्रतिशत कैंसिल, 20 कैंसिल, प्रतिशत कैंसिल, 20 कैंसिल, ये बच गया मेरा क्या 2×1=2, इधर 2×1 कितना 2, कितना अंतर 0, मेरा किस ऑप्शन में था, ए आंसर ए ऑप्शन में था, मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अंश हर से रिलेटेड है, बोला किसी भिन्न के अंश में 350% और हर में 300% की वृद्धि करने पर, हम क्या बोले थे, अंश को यदि एक्स माने थे और हर को कितना माने थे वाई माने थे, फुल्ली फ्लेजे मतलब ये 100%, अब बोला 350% बढ़ा देते हैं एक्स मतलब कि फुल 100%, जब 350% बढ़ा दिए मेरा कितना परसेंट हो गया 450%, और बोला हर भी 300% बढ़ा देते हैं मतलब 3×1=400%, 400%, उसके बाद बोला इसका वैल्यू जो हो जाता है 9/2 कितना होता है 22 होता है, तो बोला भिन्न जो है मूल भिन्न स्टार्टिंग जो था x/y का मान निकालिए, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 50×8=40, अब 50 नंबर कितना 450, तो x/y का मान कितना 9/22/9/8, इसका मतलब 9/22 गुना इसको काम भेज देंगे ऊपर, कैंसिल, 4×8=11 कितना 4/11, मेरा किस ऑप्शन में था डी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, एक्स और वाई मान लिए भिन्न, बोला था 100%, तो आइए बोला 350% बढ़ा देते हैं, ये कितना हो गया 450%, ये बोला था 300% बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 400%, और सॉल्यूशन कर दिए और मेरा आंसर हो गया। यदि आप बाय प्रोसेस बनाते तो भी आप बना सकते थे, एक्स और वाई मानते, बोला कितना बढ़ाना है 350%, हम बढ़ाते हैं एक्स प्लस एक्स गुना कितना 350% प्लस ये कितना, बोला वाई का कितना परसेंट बढ़ाना है 300%, तो बोला 9/2 कितना होता है 22 होता है। आगे हम करते हैं, जो जो कट रहा था उसको हम क्या करेंगे कटाएंगे, ये एलसीएम लेते हैं, ये 100 एलसीएम हो गया,
ठीक है, और 100x और 350x कितना 450x बटा 100 बटा इसका एलसीएम लेंगे 100 प्लस 300y कितना हुआ 400y बराबर कितना 9/22 कैंसिल, क्या क्या बचा एक्स बटा वाई बराबर 9/22 इसको डायरेक्ट भेज दिए कितना 450 मतलब 9/22 गुना 400 कितना 450 450 9 कैंसिल 11 4 कितना 4/11 आपको जो पसंद हो उस ढंग से बनाए। इसमें हम क्या ध्यान रखे 100% उसका एक्स वाई जो था 100% था, सीधा पढ़ा दिए सीधा कर दिए। इसमें क्या किए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइनस किए और मेरा हो गया। यहाँ भी आप कन्वर्ट कर सकते थे, क्या करते एक्स इसको भाग देते ये 3.5 और यहाँ 1 कितना लिखते 3.5 और 1 कितना 4.5x बटा यहाँ इधर कैंसिल हो जाता 3y और y कितना 4y बराबर 9/22। बहुत सारा तरीका आपको जैसे बनाना है वैसे बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण ब्याज से, बोला 2500 रुपया जो है डेढ़ वर्ष में बढ़ के 2875 रुपया हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। अब दर का सूत्र को बोलेगा, दर का सूत्र क्या होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना क्या समय। इतना हल्का हल्का सवाल पूछता है तो आगे हम सेट करते हैं। बोला ब्याज का मान दिया हुआ है, तो बोलेगा ब्याज का मान तो दे नहीं, तो ब्याज का मान ही नहीं है। 2500 रुपया बढ़ के कितना हो रहा था 2875 रुपया हो रहा था, इसका मतलब ये मूलधन ये मिश्रधन तो कितना रुपया बढ़ रहा था 375, ये ही ना है ब्याज। मिश्रधन में मूलधन को घटा कर ब्याज 375 गुना 100 मूलधन मेरा कितना 2500। अब बोला था समय, समय कितना डेढ़ वर्ष को चेंज किए, 2 × 2 कितना 3/2 3 यहाँ हो गया और 2 कहाँ चला गया डायरेक्ट ऊपर भेज दिए 3/2 जो कट रहा उसको कटाएंगे 0 0 कैंसिल कटाते हैं 25 × 25 12 × 25 कितना 15 3 × 15 कितना 5 × 10 आंसर। कोई टाइम लगा कोई टाइम नहीं लगा। इससे भी यदि आपको सरल बनाना है तो भी हमने सिखाया था दूसरा सूत्र, क्या दूसरा सूत्र में हम बताए थे मूलधन बराबर जो मान होता है वो क्या होता है मिश्रधन गुना 100/100 प्लस समय गुना दर, ये दूसरा तरीका। आप सूत्र याद रखेंगे तभी बनेगा। हम क्या करते हैं इस पे लेके चलते हैं, मूलधन में रखे तो ना 2500 बराबर मिश्रधन कितना 2875 गुना 100/100 उसके बाद क्या था प्लस समय कितना 3/2 जोड़ आर, इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे और मेरा क्या निकल जाएगा आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10% निकल जाएगा। था आसान सवाल, आपको दोनों तरीका में जैसे बनाना है वैसे आप बना आराम तरीका से बनेगा। नेक्स्ट सवाल एक बार फिर से साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से 9% की दर पर मूलधन 8 वर्षों का 4 वर्षों के ब्याज से 288 रुपया अधिक है, कितना हल्का सवाल है। बोला 9% के दर से यदि करते हैं 9% के दर से, उसके बाद बोला 8 वर्ष का जो ब्याज होता है और 4 वर्ष का जो ब्याज होता है इंटरेस्ट जो होता है, बोला 288 रुपया का अंतर है, कितना का 288 रुपया का ब्याज का अंतर है। हमने सिखाया था इसके पहले कि साधारण ब्याज जो उसको परसेंटेज में लिखते हैं, साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं RT%, आर का मतलब रेट टी का मतलब टाइम, तो इस कंडीशन से कितना हो रहा है 9T 72%, और इस कंडीशन से 9% इसमें भी है तो 9 × 4 कितना परसेंट 36% इसमें ब्याज इसमें 72%, बोला दोनों का अंतर जो है दोनों को घटा दिए कितना है 288, इसको यदि हम घटाते हैं तो 36% का वैल्यू कितना 288 12 × 36 12 × 24 4 × 48 कितना 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू कितना 800, ये मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया, यही तो निकालना था। आसान आराम से हम बनाएंगे, ये भी पसंद नहीं है तो आप बाय प्रोसेस बैठ के बनाइए। मानना है मूलधन निकालना है तो मूलधन मान लिए पी गुना समय कितना 8 × 10/100 एक कंडीशन के लिए, ये साधारण ब्याज हो गया। दूसरे कंडीशन के लिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, बोला ई ब्याज भी और ई ब्याज भी दोनों का अंतर 288 है, तो दोनों का अंतर कितना कर दिए 288 कर दिए।
जो जो आगे कम हो रहा था उस चीज को देखते हैं। 9 × 72 कितना, 72 π / 100 − 9 × 36 π / 100 और कितना 288। आगे मेरा कितना हो गया घट के, 36 π / 100 और 288 12 × 36 = 24 / 48 कितना 8। समान समय के लिए x रुपया का साधारण ब्याज हुआ है, क्या बोला, रेट सेम है और टाइम भी क्या है सेम है, बोला x रुपया का साधारण ब्याज हुआ है कब होगा, तो मूलधन x गुना समय गुना दर बटे 100 इसका बोला साधारण ब्याज जो है कितना है हुआ है। और दूसरे कंडीशन में बोला इसी रेट और टाइम के लिए y रुपया का दर और समय सेम हो तो बोला कितना रुपया जाता है z रुपया साधारण। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हम देखते हैं rt/100 y को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो हमको क्या मिला rt/100 बराबर कितना y/, इसमें भी हम करते हैं rt/100 था इस y को इधर भेज दिए। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड rt/100 है, हम लिख सकते हैं y/x का वैल्यू कितना z/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y² कितना x * z, बना रिलेशन किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, था आसान सवाल 11 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है 3 वर्षों का मिश्र धन 850 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों का मिश्र धन 925, आराम से बोला 3 वर्षों का मिश्र धन जो है 850 रुपया और 4 वर्षों का मिश्र धन 925 रुपया, एकदम आराम वे से बनाएंगे, यहाँ 3 वर्ष का टोटल पैसा इतना हो रहा है, यहाँ 4 वर्ष का इतना हो रहा है, ऐसा हम करते हैं 1 साल में बढ़ा कितना ब्याज, 1 साल में बढ़ा कितना ब्याज, तो इसको इसमें घटाएंगे तो मेरा कितना 25 इधर 50 उधर, क्या रुपया बढ़ा 75 रुपया बढ़ गया, और यहाँ 3 साल का टोटल अमाउंट दिया हुआ था, ऐसा हम करते हैं 1 साल का जो ब्याज 75 रुपया, तो 3 साल का ब्याज कितना 3 × 75 5 × 15 = 27 कितना 22 225 रुपया, जब ये टोटल पैसा 3 साल का मिश्र धन है, ये 3 साल का ब्याज, इसमें इसको घटा देंगे तो मेरा मूलधन ना निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ये 25 हो गया, ये 625 कितना आंसर 625 किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के लिए भी 2 साल और 3 साल का सूत्र हमने सिखाया था, यदि 2 साल का फॉर 2 ईयर यदि हम बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे, तो हमने सूत्र बताया था PR² / 100 × 100 और इस सवाल में अंतर मेरा था कितना 288 रुपया, उसके बाद बोला था पी मूलधन मालूम नहीं, रेट का मान कितना 12 था, 12 × 12 = 100 × 100 कैंसिल कराते हैं जो कटना है, 12 × 24 = 48 कितना 2, कितना हो गया पी का वैल्यू 2, 4 0 था 1 2 3 4, था आसान सवाल, तो हमको सूत्र याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या था PR² / 100 × 100, इसको हम दूसरे तरीका से भी हमने सिखाया था, क्या बोले थे यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर हो तो हम क्या करेंगे उस चीज को, हम बोले थे दोनों का अंतर का जो रहता है कितना 12² बटे कितना 100, इसका मतलब कितना 1.44%, ये क्या अंतर हो गया, अंतर हो गया जब, इसका मतलब 1.44% का वैल्यू कितना था 288, तो 1% का वैल्यू कितना 288 × 1.44 = कितना 0.0 दो बार में, तो 1% का मतलब 200, 100 का मतलब कितना 20 और देंगे, आया सेम आंसर, तो हम क्या ध्यान रखे यदि अंतर पूछे केवल 2 साल के लिए जितना रेट है उसका स्क्वायर बटे 100 वो होता है मेरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ये तो हो गया 2 साल का कहानी। 3 साल का भी कहानी हम एक बार बता देते हैं, उसका सूत्र था PR² × 300 + R / 100 × 100 × 100, इस चीज को भी क्या रखेंगे याद रखेंगे, ये कितना के लिए और 3 साल के लिए, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर का सवाल से रिलेटेड प्रश्न रहे तो आप इस ढंग से बनाए। 13 बोला वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% 2 वर्षों की समतुल्य ब्याज दर क्या होगा, तो 10% तो पहला साल अभी करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है
दूसरा साल 10%, इस पे ब्याज मतलब 10 गुना 10 बटा कितना 107 ब्याज ऐड करके लेगा तो 10 10 20 21 कितना प्रतिशत 21%। था आसान सवाल। नेक्स्ट 14 सवाल है, यदि किसी धन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 120 है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होगा? तो दूसरे वर्ष का होगा P × 1 + R/100 / 2। ये तो ये टोटल 2 साल का, एक साल का कितना हुआ होगा 1 + R/100 / 1। अब बोला केवल दूसरे साल का है तो दूसरे साल का स्पेशल ये हो गया 2 साल का, ये 1 साल का। इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ 5 यहाँ 3 भाग यहाँ 5 भाग, यदि टोटल दे दे और इस भाग को यदि घटा दे मेरा ये भाग नहीं निकलेगा सेकंड वाला पार्ट। सेम यही काम है, ये पूरा का दिया हुआ था, ये फर्स्ट पार्ट का था, इसमें यदि इसको घटा देंगे ये वाला ई वाला पार्ट निकल जाएगा, इसको जो घटाता है इसका वैल्यू था कितना 120। अब तो आसान हो गया, अब क्या P × 1 + R/100 क्या कर दिए कॉमन ले लिए, इधर मेरा क्या बचा 1 + R/100, इधर क्या बचा R, वन ना कैंसिल हो गया। आगे हमको क्या मिला, और कुछ दिया हुआ था, बोला कि रेट जो है 20% है, वैल्यू पुट करते हैं P × 20% करते हैं 1 + 20/100, यहाँ कितना 20/100 कितना 120। क्या मिला हमको, ये कट गया 5, तो हमको मिला P × 6/5 × इसको कैंसिल करते हैं 5, तो 1/5 कितना 120, ये कैंसिल हो गया 20 × 20 से पी का वैल्यू कितना 20 × 100 100 × 5 कितना 500 रुपया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, एक लैपटॉप का अंतिम मूल्य 18,810 रुपया, वृद्धि दर 10% इतना प्रारंभिक, मान लिया प्रारंभिक मूल्य कितना एक्स, उसके बाद बोला 10% पहले वृद्धि होता है तो 10% वृद्धि कितना 110/100, फिर बोला 5% कमी होता है तो 95/100, फिर बोला तो -10% मतलब 90/100, बोला इसका जो वैल्यू है वो 18,810 है तो एक्स का वैल्यू कितना 18,810 × 100, इसको इधर रिवर्स करते जा रहे हैं 100 × 100 सब तीनों ऊपर चला गया, आइए ऊपर वाला कहाँ नीचे चला गया 95/100। अब कोई इसी को सॉल्व करेगा नहीं, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में हमको केवल इसी फॉर्म में देना था, मतलब कि क्या 18,810 100 100 100 110 95 और 90 है, मेरा किस ऑप्शन में था, ये मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई वस्तु 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाना है तो कितना रुपया में बेचा जाए, इस ढंग का सवाल में मत आ जाए, रुपया गुना टारगेट बटे जो है स्टार्ट में, इसका मतलब स्टार्ट में रुपया कितना 480, टारगेट हमको 20% फायदा कमाना है मतलब 120 बटे स्टार्ट में 20% हानि हो रहा था मतलब कितना 80, 8×48 कितना 720 रुपया आंसर। यदि आप इसको बाय प्रोसेस बनाते तो और लेंदी होता, क्या करते बोला 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि हो रहा था तो क्रय मूल्य निकालते, कैसे विक्रय मूल्य गुना 100/100 - हानि प्रतिशत, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना था 480 × 100/100 - हानि, हानि कितना 20, तो कितना हो गया 600 रुपया, 600 रुपया सामान हम खरीदे थे, अब बोला 20% फायदा कमाना है, इसका मतलब 600 + 600 × 100 कितना 20/100 है, डायरेक्ट 120 करते कितना ये 600 हो गया, 20 × 20 से क्या रुपये में 720, इधर से बना इधर से बना, जैसे आपको पसंद हो उस ढंग से बना। नेक्स्ट सवाल 17, बोला 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत निकालिए, एकदम आराम सवाल है, बोला कि 30 वस्तु हम बेचते हैं, बेचने पर 5 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 5 वस्तु का लाभ प्राप्त कब होगा, हम 30 वस्तु को बेचे 5 वस्तु के लाभ, इसका मतलब हम खरीदे थे कितना वस्तु 25 वस्तु ना, तब ना 5 वस्तु एक्स्ट्रा, अब बोला था लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100/100 खरीदे थे कितना 25 कितना 20%। था आसान सवाल, एकदम आराम से हम बनाते चलेंगे, इसमें 30 वस्तुओं को विक्रय मूल्य बेचने पर यदि बोलता 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है उसमें हम इंटरचेंज करते हैं, वैसा भी सवाल आएगा और उनसे भी आपको मुलाकात कराएंगे।
नेक्स्ट सवाल 18 बोला 400 रुपया में पंखा खरीदा, दो पंखा 400 रुपया में खरीदा तो दो पंखा कितना में, 800 रुपया खरीदने में लगा। उसके बाद बोले एक पंखा को 20% लाभ पे, तो 400 × 20% लाभ 120/100। बोला दूसरे पंखा को 30% हानि, मतलब 400 × 70/100, ये हो गया विक्रय मूल्य, बेच दिए पंखा को हम, क्या स्थिति हुआ, 00 कैंसिल, बढ़ चुके 48, 480 और 7 × 4 कितना 28, 7 × 4 = 6, खरीदे थे हम कितना में, 800 में, बेच दिए कितना 760, फायदा किया घाटा, तो बोलेंगे घाटा कैसे, 800 में खरीदे बुढ़वा है 760 रुपया में बेच दिया, तो क्या रुपया घाटा 40, 800 में 760 घटा दिए, जब 40 रुपया घाटा तो हमको बोला था लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए, तो हानि गुना 100/100, खरीदे थे कितना में, क्रय मूल्य, 00 कैंसिल, 8 × 5 = 40, 5% क्या हो गया हानि हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल था मेरा, एक व्यापारी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अंकित करता है, इसका मतलब 100 टका का सामान था 40% अधिक अंकित किया, मतलब कि कितना रुपया छाप दिया, वो छाप दिया 40% देते, मतलब 100 में खरीदा 140 रुपया छाप दिया। अब बोला कि 10% का छूट देता है, इसका मतलब 140 रुपया जो छाप दिया तो 10% छूट तो 90% का दाम लेगा, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 14 में कितना 26 से 126। अब बोला बताइए लाभ कितना हुआ, 100 टका में खरीदा था और कितना में बेच दिया, 126 रुपया में, क्या टका फायदा, 26 टका फायदा। बोला था लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100/100 कर देते, 100 में क्या प्रतिशत 26% था। आसान सवाल, नेक्स्ट सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमको समझना होगा, समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब क्या, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो बराबर हो। बोला आधार 12 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज बना दिए, मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका आधार बोला 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 6 और ये कितना 6 है। बोला तिर्यक भुजा, तिर्यक भुजा किसको बोलते हैं, कोना कोनी को ना, कोना कोनी। बोला ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये जो ऊंचाई है इससे 2 सेंटीमीटर क्या है अधिक है। उसके बाद बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड यदि काम करेगा तो आप तुरंत बनाएंगे, इसको यदि x मानेंगे यदि कितना x+2, फिर यहाँ कौन सी सूत्र यूज करते, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समकोण त्रिभुज का क्या यूज करते, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस कंडीशन से x का मान निकालते, इसका भी मान निकालते, लेकिन आपका मैथ इतना फास्ट हो जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। जब ये 6 था आपने सीखा होगा 6, 8, 10 का पेयर ना, मतलब 6 स्क्वायर जो 8 स्क्वायर और कितना का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कि नहीं होता है, पाइथागोरिक त्रिक में पढ़े होंगे। जब ये 6 है इसको हम कितना कर सकते हैं 8, और ये बोलवे क्या था 2 अधिक, क्या ये समकोण त्रिभुज का नहीं हो रहा है पाइथागोरिक त्रिक, आराम से हो रहा है, तो आपको एक्स का भी मान निकालना नहीं पड़ेगा जब आपका दिमाग फास्ट काम करेगा। अब तो हमको सब कुछ मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 × आधार गुना कितना शीर्ष लंब, तो 1/2 × आधार कितना 12, शीर्ष लंब हाइट कितना 8, कैंसिल, बढ़ चुके कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। ये नहीं कि कोई टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा समलंब चतुर्भुज से, जब समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड सवाल है, आप यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, समलंब चतुर्भुज इस ढंग का होता है ना, इसका क्षेत्रफल होता है कि 1/2 × आधारों का योग और गुना शीर्ष लंब, आधारों का योग गुना शीर्ष लंब। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया होता। बोला इसका भुजा जो है 10 और 12 सेंटीमीटर है, हम सेट करते हैं 10 है और कितना है 12 है। बोला मध्य दूरी, ये जो हाइट था मध्य दूरी थे कितना था 8 था। बोला कि इसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, ये तो कैंसिल हो गया कितना 22 × 4 कितना 88 सेंटीमीटर। बोलेगा परीक्षा में मेरा नहीं बनेगा। था आसान सवाल, जब आपको सूत्र
याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, फिर परेशानी होगा। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये सब सूत्र रखना क्या जरूरी है? जरूरी है। अब आगे दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? तो वैसा वृत्त जिसके अंदर भी वृत्त हो और क्या हो, इसके बाहर भी वृत्त, इसी को क्या बोले? सकेंद्रीय वृत्त बोले। अब बोला इसका जो है परिधि जो है, एगो का परिधि यहाँ से यहाँ तक चलता है, इसी को बोलते परिधि। इसका 88 है और बड़ा वाला का कितना है? 132 है। बोला इसके मध्य वलय का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो मध्य वाला वलय वाला ये जो बचा, इसका क्षेत्रफल निकालिए। इस ढंग का 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन था, तो हम कैसे बनाएंगे उस चीज को हम पहले देखते हैं। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का क्या होगा? यदि इसका बड़ा वाला का त्रिज्या बड़ी आर और ये मानते हैं, इसका मतलब यही हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई क्या छोटी आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल इसका मतलब है, यदि इसका मान निकाल देंगे मेरा आंसर हो जाएगा। इसका मान कैसे निकलेगा? आर तो हमको मालूम नहीं है, आर का मान निकालना जरूरी होगा। तो हम आर कैसे निकालेंगे? तो इस त्रिभुज का परिधि दिया हुआ था कितना? 88। तो हम लिखते हैं 2 पाई आर बराबर दिया हुआ 88, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर और कितना 44। आर का वैल्यू कितना? 14। अब इस कंडीशन से निकालते हैं 2 पाई आर बड़ा वाला वृत्त का, इसका वैल्यू कितना था परिधि? 232। तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर और कितना? 132। ये तीन बार में तो आर का वैल्यू कितना? 71। निकल गया दोनों का त्रिज्या। जब दोनों का त्रिज्या निकल गया, फिर तो ये आराम से हम बना सकते हैं क्या, पाई इंटू बड़ी आर का मान कितना? 21 का स्क्वायर माइनस कितना? 14 का स्क्वायर। कोई कोई गुना करेगा, गुना नहीं करना है। पाई का मान 22 बटे 7 या ए स्क्वायर माइनस क्या 20 स्क्वायर। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जोड़ेंगे 35, इसको घटाएंगे 7, ये कैंसिल। अब 35 गुना 22 कितना? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। था आसान सवाल, ये नहीं कि भारी हो गया। 23वां सवाल, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोला वर्ग का क्षेत्रफल 44% यदि बढ़ जाता है तो बताइए उसकी प्रत्येक भुजा में कितना वृद्धि हुआ है। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, बोला 12%, 16%, 20% और 28%। कैसे हम निकालते हैं? इसका भी सूत्र था वर्ग का क्या, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 ना। इसमें यदि सेट हो जाएगा तो मेरा होगा 12% को लेकर चलते हैं, 12 दुनी कितना 24, और 12 का स्क्वायर कितना? 12 दुनी 24, और 12 का स्क्वायर 1.44, 100 भाग देने ये पूरे का 44 नहीं, ये मेरा कैंसिल हो गया 16। तो 16 गुना 2 कितना? 32, और 16 का स्क्वायर 256 बटे 100, 32 दो 34.56, यहाँ पुराना हमको कितना 44। 20 को लेकर चलते हैं, 20 दूनी कितना 40, 20 का स्क्वायर 400, 1 से भाग देना 40 और 4 कितना 44। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 20%। इसके बेलन है, इसका त्रिज्या यदि हम r मानते हैं तो व्यास इसका क्या हो जाएगा? 2r आ जाएगा। बोला व्यास और हाइट के क्या है? बराबर है। h बराबर 2r और r बराबर क्या लिख सकते हैं? h बटे 2। अब बोला था बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया आर का वैल्यू कितना? एच बटे 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना? पाई एच स्क्वायर, यहाँ एच कितना? एच क्यू आर 2 का स्क्वायर कितना? 4। किस ऑप्शन में था मेरा? बी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। था आसान सवाल। 25वां सवाल है, एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि। इसका मतलब 10% 100 था तो कितना हो गया? 110 हो गया। इसी ढंग से बनाते हैं। उसके बाद बोला चौड़ाई में 20% की कमी, इसका मतलब 80 हो गया, कितना था? 100 था। उसके बाद बोला ऊंचाई में 25% की वृद्धि, 100 था कितना हो गया? 125 हो गया। अब इस ढंग से हम बना देते हैं कंपेरिजन, क्या करते हैं एक 100 का छोड़ देंगे, क्यों? कंपेरिजन करने के लिए, यदि अधिक 100 से ऊपर में आ जाएगा वृद्धि हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा तो कमी हो जाएगा। शुरू करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 25 125 125 4 दुनी कितना 8, 5 दुनी 10, 10 दुनी 11 कितना
110 बटा 100। अब आप बता सकते हैं ये वृद्धि हो रहा है ये कमी हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्या हो रहा था 100 था 110, इसका मतलब क्या 10% वृद्धि, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 26 बोला 6 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, इसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला एक तार में कन्वर्ट करता है जिसका जो है 1 mm जो है क्या है 1 mm जो है मोटाई है त्रिज्या है। बोला इसका लंबाई क्या होगा L निकालना है, आराम से हम निकाल सकते हैं। इसी से नहीं बना तो इसका भी आयतन जितना होगा उतना आयतन इसका होगा, तो गोले का आयतन कितना 4/3 अपाई। जब आर डी का मान 6 सेंटीमीटर तो आर का मान कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब बराबर ये बेलन के आकार का बनाया तो पाई एल स्क्वायर का मान पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर का मान कितना 1 mm, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना क्या पाई पाई कैंसिल, यहाँ 3 था यहाँ 3 का क्यूब था 1 क्यूब बच गया, एल का वैल्यू कितना तो एल का वैल्यू बच गया 4 गुना 3 का स्क्वायर बचा 4 कितना 3 का स्क्वायर 9/0 कितना 1 गुना 0.1 ये उड़ गया ये उड़ गया कितना 100, इसका मतलब 4 9 कितना 3600, ये क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ बोलेंगे चार ऑप्शन में तो मेरा मिल ही नहीं रहा है, तो उसका यूनिट देखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर था मेरा ऑप्शन था मीटर में, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, इसका मतलब 3600 सेंटीमीटर में कितना मीटर 36 मीटर था मेरा ऑप्शन डी में, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना, बोला बेलन का बात है तो हम त्रिज्या का बात है, त्रिज्या आर मान लिए और ऊंचाई कितना एच, तो इस कंडीशन से आयतन मेरा क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कहेगा वो करेंगे, बोला त्रिज्या को दोगुना कर दीजिए त्रिज्या कितना 2r, बोला ऊंचाई को आधा कर दीजिए एच तक कितना h/2, बोला कि नया आयतन और पुराना आयतन का क्या कीजिए अनुपात निकालिए, तो नया आयतन और बटे क्या पुराना आयतन का, पुराना बेलन का क्या करना है आयतन, तो नया बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर की जगह कितना 2r, तो 2r का स्क्वायर गुना हाइट कितना h/2, और पुराना वाला कितना था पाई आर स्क्वायर एच। हम देखते हैं क्या क्या घटना घट रहा, पाई पाई कैंसिल, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4 आर स्क्वायर गुना एच बटा कितना इसको 2 लिखता है आर स्क्वायर एच, ये कैंसिल कितना 2/1 मतलब 2:1 किस ऑप्शन में था बी ऑप्शन में था, था आसान सवाल, जो जो कहेगा वो हम करते चलेंगे और बनते चलेंगे। 28वां सवाल है, एक महिला है अपने संपत्ति की 4/5 भाग की स्वामिनी है, मतलब इसकी क्या है मालकिन है, बोला 3 बच्चे को बराबर भाग में बांटता है, जितना भाग बन जाए 10 रुपया बोलेंगे 2 गो बच्चा है क्या करेंगे फट से 2 गो भाग दे देंगे, यहाँ 3 बच्चा था तो 3 से क्या कर दिए भाग दे दिए। अब इसमें भी कोई सस्पिशन होगा कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करें, तो एक पार्ट दो पार्ट पहले था तीसरा पार्ट था चौथा पार्ट में क्या लिख दिए 1 लिख दिए, तो 4/1 इसको पलटा दिए 1/3 कितना 4/15 किस ऑप्शन में था डी ऑप्शन में था आसान सवाल। इसी ढंग का क्वेश्चन पूछता 29वां सवाल बोला किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, इस संख्या को 18 से भाग देने पे प्राप्त क्या होगा, आसान सवाल है, बोला 342 से यदि एक संख्या को भाग देते हैं तो 47 शेष बचता है, बोला 18 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, एकदम आराम से जितना से पूछा जाए केवल पहले जितना संख्या से भाग दिया होगा इससे यदि ये भाग लग जाए, जैसे 18 से भाग 18 का 18 बच गया 16 कितना 62 से 162, ये यदि डिवाइड इससे ही हो गया और केवल इस संख्या से इसको भाग देने इसका मतलब 18 से 47 में भाग देने 18 36 कितना शेष 11, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, था आसान सवाल। 34वां सवाल 30वां सवाल भी आसान है, बोला 8 + 8 + 8 / 8/6 + 6 + 6 इसका वैल्यू कितना को कोई इसी में फंस जाएगा आसान सवाल में, 8 + 8 = 16 कितना 24, ब्रैकेट का पहले काम करेंगे ना बदमा 8 + 3 = 24 को 8 से भाग देंगे कितना 3, अब यहाँ जोड़ का काम के भाग का काम तो बोलेंगे भाग का काम तो 6 का 6 में भाग दिए 1 6 = 12 12 कितना 13 आंसर, था आसान सवाल।
तो आशा और उम्मीद है इस वीडियो में कराए गए 30 प्रश्न आपको बेहद आकर्षक और अच्छा लगेगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में इस ढंग के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अधिक से अधिक दोस्तों को आप शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।